हाय फ्रेंड्स, आसुटेक में आपका स्वागत है। अगर आपके मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज बहुत ही कम है या आपका जो भी स्टोरेज है आपके पास एसडी कार्ड नहीं है, तो नॉर्मली आप देखे होंगे कि नॉर्मल जिसमें इंटरनल, जैसे कि इस फ़ोन में ये सैमसंग गैलेक्सी ऑन 7 है, इंटरनल स्टोरेज 8 GB ही है, तो आपको पता होगा कि व्हाट्सएप जो भी है वो इंटरनल स्टोरेज में ही सेव होता है, तो इस कारण से वो फुल हो जाती है और मोबाइल हमारा हैंग करना स्टार्ट कर देता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2-3 ट्रिक हैं जिससे कि आपकी मोबाइल कभी हैंग नहीं होगी और आप आराम से इसको यूज़ कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ है, आप इसमें स्टोरेज में जाइए, वहाँ से इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करके एक्सप्लोर में अब जितने भी बेकार के एंड्रॉयड हैं इसमें कैश जो है वो सेव होता है, तो वो जितने भी कैश फाइल है वो उनको आप डिलीट कर दो। उसके बाद आप इसमें व्हाट्सएप में जाइए, व्हाट्सएप में ये शेयर, ट्रेस और डेटाबेस, इन सबको डिलीट कर दो। मीडिया में जाकर आप जितने भी सेंड आइटम है, सेंड आइटम फाइल जो कि आप किसी को सेंड किए हैं वो भी इसमें स्टोर हो जाती हैं, तो वो आप फाइल डिलीट कर दो जिससे कि आपकी इमेजेस में भी उसी तरह सेंड आइटम जो भी हैं वो आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद ये स्टेटस, वॉलपेपर, एनिमेशन जो भी हम लोग उस पर देखते हैं वो सब भी उसमें सेव होती हैं, वो सब भी आप डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद आप खुद देखेंगे कि जहाँ मेरा 7.5 के आसपास भरा था इतना कम हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैश डाटा है, इसको आपको फ्री कर देना, 44.68 MB है, इसको आप डिलीट करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगा, 6.75 हो गया। इसके बाद इससे आपकी मोबाइल लगभग ठीक हो जाएगी, फिर भी आपको फिर अबाउट डिवाइस में जाकर, लीगल इन्फॉर्मेशन में जाकर, सॉफ्टवेयर इन्फो में आपको बिल्ट नंबर पे 3-4 बार क्लिक करना है, क्योंकि मैं कर किया हूँ तो इसलिए मेरे में लिख रहा है कि नो नीड, डेवलपर मोड हैज़ ऑलरेडी बीन इनेबल्ड, तो इसलिए आपको उसके बाद बैक जाना है, आपका डेवलपर मोड खुल जाएगा, ये एक ऑप्शन आ जाएगा आप में, इस ऑप्शन को आप क्लिक करते ही आप इसको पहले ऑन कर देना, ये नॉर्मली ऑफ रहता है, इसको आप ऐसे ऑन कर देना। ऑन करने के बाद आप नीचे जाना और ये विंडोज़ एनिमेशन स्केल है, इसको आप ऑफ कर दो, ऑफ या 0.5 कर दो, तो इससे आपकी जो मोबाइल की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। इसको आप ऑफ कर दिए, बस इतना करके आपको बैक जाना है, उसके बाद आप देखें आपकी मोबाइल एकदम परफेक्ट चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी कितना भी इंटरनल स्टोरेज कम हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मोबाइल एकदम बेस्ट चलेगी।